नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल तीखी हरी चटनी, जो कि आप समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े या फिर कई चीज़ों के साथ खा सकते हो। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो ये है। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया, 2 टमाटर, स्वाद अनुसार नमक और एक ग्राइंडर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरे धनिए को जो है मोटा मोटा काट लेंगे। आप एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखें, हरे धनिए की जो मोटी वाली डंडी होती है वो हमें यूज़ नहीं करनी है, सॉफ्ट वाला ही हमें, जो पत्तियाँ और डंडियाँ सॉफ्ट वाली होती है वही यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम काट के इसमें डाल देंगे। टमाटर की जो याक है ये हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इस तरह से टमाटर को भी काट के इसमें डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप किसी ढाबे या फिर चाट वाले के पास जाते हो तो उनके पास ये चटनी मिलती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप घर पे बनाओ तो आप परांठे आदि के साथ भी खा सकते हो। तो देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, इस तरह का पेस्ट ये तैयार हो चुका है। आप इसके तीखेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा चीनी भी मिला सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर यूज़ की है, चीनी यूज़ की है। अगर आप थोड़ा सा खटास चाहते हो, वैसे तो मैंने इसमें जो टमाटर यूज़ किए हैं उसमें खटास है, तो आप नींबू या फिर इमली का जो गूदा होता है तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, हमारी चटनी जो है बन के 1 मिनट में तैयार हो गई है। तो ये देखिए, आप इसे परांठे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा आदि के साथ खा सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।